हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रूमर के बारे में जो कि सोशल मीडिया मार्केट पे काफी ज्यादा चल रहा है। आप सभी जानते हो ये रूमर है गैलेक्टस से और टेरेंट से रिलेटिव, और ये रूमर इतना बड़ा था, ये मार्केट में इतना ज्यादा चल रहा था कि मेरे को इसके ऊपर एक वीडियो बनानी पड़ी। आप सभी जानते हो कि मार्वल फेज 3 तक एक विलन रहा जिसका नाम था थैनोस, जो कि अपकमिंग 10 सालों तक और हमें देखने को मिलेगा, जिसमें कि इंटरनल्स होगी, पर थैनोस ऐसा एक विलन नहीं होगा, एक बच्चा दिखाया जाएगा, एक यंग थैनोस देखने को मिलेगा। पर आने वाली फ्यूचर में फेज 3 तक तो ये हो चुका था, पर आने वाली फ्यूचर की मूवी में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो मार्केट में जो तगड़ा रूमर चल रहा है कि आने वाली फ्यूचर मूवी में हमें टेरेंट और गैलेक्टस देखने को मिलेगा, जो कि मार्वल फेज 4 और फेज 5 तक चलेंगे, और आने वाले अपकमिंग मूवीज में यही सबसे बड़े विलेन होने वाले हैं। तो MCU आने वाले टाइम में कॉस्मिक यूनिवर्स के साथ साथ एक खतरनाक पार्ट होने वाला है, जो कि एवेंजर एंड गेम से काफी बड़े लेवल की मूवी होने वाली है। तो गाइज वेट करिए, काफी ज्यादा मजा आने वाला है अगर ये रूमर सच निकला। उसके बाद बात करते हैं टीवी न्यूज के बारे में। तो फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की शूटिंग हो रही है इसी साल से अक्टूबर के महीने से, करीब 22 या 31 अक्टूबर की इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी अटलांटा में, जो कि हम इसकी सेट फुटेज देखने को मिलेंगी। देन उसके साथ एक और टीवी न्यूज आई है काफी कमाल की। आप इस छोटी सी बच्ची को जानते होंगे जिसका नाम है मोनिका, आपने इसे कैप्टन मार्वल मूवी में देखा होगा। अब ये काफी बड़ी हो चुकी है और ये एक आने वाली सुपर हीरो बनने वाली है, जो कि अपकमिंग टीवी सीरीज में हमें देखने को मिलेगी वांडा विजन, जिसमें कि तीन मेन कैरेक्टर होंगे, एक तो हमारा विजन, स्कारलेट विच और मोनिका। तो ये भी एक सुपर हीरो बन चुकी होगी, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। देन उसके साथ रॉबर्ट की लास्ट मूवी थी एवेंजर एंड गेम, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये एज ऑफ द शील्ड में हेडक्वार्टर मैनेजर थे एक तरीके से। अपकमिंग रॉबर्ट डॉनी जूनियर की मूवी, जिसमें कि टॉम हॉलैंड और सेलेना गोमेज़ को कास्ट करा गया है, वो है पिक्चर डॉक्टर डूलिटल। इसमें गोस्ट ऑफ द सील के VFX सुपरवाइजर जॉन काम कर रहे हैं, जो कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर की काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है। डे जॉनसन ने कंफर्म कर दिया 2020 में लास्ट में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ एक और काफ़ी कमाल का अपडेट मून नाइट से रिलेटेड, तो कियानू रीव्स, जो कि काफ़ी कमाल के एक्टर हैं जॉन वीक के, रूसो ब्रदर का कहना है कि इन्हें मून नाइट कैरेक्टर रोल प्ले करना चाहिए। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो भी लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पे थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मारना। बाय बाय, जा रहा हूं।